गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क टेक्निक्स है। नेटवर्क टेक्निक में हम जिस टॉपिक पे थोड़ा सा आज फोकस डालेंगे वो है CPM और PERT। CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT का मतलब होता है प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। तो इनमें हम सामान्यतः ये देखते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें कितना ड्यूरेशन लगता है, कितने उसमें समय अवधि लगती है। तो किसी भी प्रोजेक्ट की जो अवधि निकालने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है, मिनिमम टाइम कितना लग सकता है आदि चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी संदर्भ में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इससे पहले हमने इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया हुआ है पहले अच्छे से, और अब हम आज इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो वन बाय वन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। तो क्वेश्चन नंबर वन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, इसमें कैलकुलेट करना है CPM और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है ये जिसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है एक से, इसमें क्रियाएं हैं, ठीक है, एक्टिविटी है 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 और 2 से 5, 4 से 5 है, इसको डमी एक्टिविटी बोलते हैं, इसके बीच में कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, और 3 से 6, 4 से 6 और 6 से 7। इसकी जो ड्यूरेशन है वो मैंने अभी लिखी नहीं है, तो मैं इसकी ड्यूरेशन और लिख देता हूँ जो कि हमारे पास लिखी हुई है। तो एक बार इसकी ड्यूरेशन मैं देख के लिखता हूँ बुक से। तो यहाँ है 4 डेज, और 2 से 3 है वो है 5 डेज, और 2 से 4 है 6 डेज, और 2 से 7 है, 7 डेज, 3 से जो 6 है वो है 10 डेज, और 4 से 6 डेज है वो है, 4 से 6 है ये 9 डेज है, और 5 से 7 ये है 8 डेज यानी 8 दिन, और 6 से जो 7 है वो है 3 डेज। तो ये इतने दिनों में ये प्रोजेक्ट है, एक एक्टिविटी से लेकर के 7वीं एक्टिविटी तक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इसमें निकालनी है और ईएसटी और जो एलएफटी है वो भी निकालने होंगे। ईएसटी है इसको अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बोलते हैं, और LFT है इसको बोलते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये दो चीज़ें हमें और निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालेंगे, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे क्रिटिकल पाथ। तो सबसे पहले इसके जितने भी जो पाथ है वो देख लेते हैं कि पाथ का मतलब 1 से लेके 7 तक सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी एक्टिविटी से होते हुए लगता है इसमें सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किस में लग रहा है। तो वो चीज़ें, सबसे ज़्यादा वाले को हम CPM बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इसमें हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि 1 से 2, यहाँ देख रहे हैं हम 1 से 2 में पहली एक्टिविटी है, इसको हम लिख सकते हैं पाथ यानी रास्ते। पहला है 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 6 और 6 से 7, ठीक है। इसमें जो टोटल ड्यूरेशन लगती है वो हम लिख देते हैं, ये नंबर वन है, इसको ए लिख सकते हैं, ए है। तो ए में जो ड्यूरेशन लग रही है एक से दो में 4 प्लस 2 से 3 में 5 प्लस 3 से 6 में 10 प्लस और 6 से 7 में 3, बराबर हमारा टाइम होता है ये 5 और 4 9, 9 और 10 19 और 3 22, इसमें 22 डेज लगते हैं। दूसरा हमारा बी जो रास्ता है उसको देखते हैं, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 और 6 से 7। तो ये एक हमारा रास्ता और है, तो इस तरीके से इसमें भी देख लेते हैं कितना लगता है। 1 से 2 में है 4 प्लस
दो से चार में है छः, ये समय है, छः दिन लगते हैं, प्लस चार से छः एक्टिविटी में नौ दिन लगते हैं, और छः से सात में है तीन दिन। अब इनका टोटल कर लेते हैं, नौ और यहाँ तीन बारह, बारह और ये दस बाईस। सी सी और देख लेते हैं, सी में यहाँ से ये इधर होते हुए जा रहा है रास्ता, एक ये इधर से होते हुए भी जा रहा है, यहाँ डमी एक्टिविटी है तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ता बनता है यहाँ, तो पहले हम यहाँ से डमी वाला लेंगे फिर लास्ट वाला लेंगे। तो एक से दो, दो से चार, चार से पाँच, पाँच से सात। तो इस तरीके से ये एक रास्ता इसमें और निकलता है, एक से दो ये चार दिन लगते हैं, दो से चार में छः दिन लगते हैं, प्लस चार से पाँच में कुछ नहीं है, ज़ीरो टाइम है, प्लस पाँच से सात में आठ दिन लगते हैं, टोटल है ये हो गए अट्ठारह। अब है जो लास्ट से यूँ घूम के जाता है, ये रास्ता डी नाम लेंगे इसको, तो बराबर एक से दो और दो से पाँच और पाँच से सात। तो ये जो रास्ते हैं इनमें जो टोटल टाइम लगेगा वो कुछ इस तरीके से है, एक से दो में चार दिन लगते हैं, प्लस दो से पाँच में सात दिन लगते हैं, प्लस पाँच से सात में आठ दिन लगते हैं। तो इस तरीके से ये हो गए हैं सात और आठ पंद्रह और चार उन्नीस। तो इस तरीके से टोटल हमारे ये पाथ है, और इनमें जो अभीष्ट पथ जिसको बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ जिसको बोलते हैं, अभीष्ट पथ या क्रांतिक पथ जिसको बोलते हैं, वो है ये दो इनमें से, ठीक है। तो इनमें से दो में आप देख रहे हो कि दोनों में 22 22 डेज आ रहे हैं, तो ये दोनों होंगे हमारे CPM क्रिटिकल पाथ। तो इसमें आप टोटल करके देख सकते हैं कि सब में जैसे चार और पाँच नौ, नौ और दस उन्नीस, बीस इक्कीस बाईस, और इधर इस तरीके से नौ और तीन बारह, बारह और ये हो गए दस बाईस। तो ये दोनों हमारे अभीष्ट पथ हैं, तो यानी जो क्रिटिकल पाथ इसको बोलेंगे यही होंगे। तो ए और बी है जो हमारे इसमें इसको बोला जा सकता है। तो इस तरीके से ये हुए क्रिटिकल पाथ। अब यदि बात करें EFT और LFT की, EST और LFT की, तो इसको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये आते हैं। तो इसमें ये दो ए और बी रास्ते होंगे जिसमें ड्यूरेशन दोनों में 22 डेज लग रहे हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल CPM ये दोनों होंगे, CPM जहाँ दोनों में समान टाइम लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि EST, पहले L1 यानी यहां से स्टार्ट होता है, इसको L बोलते हैं, सॉरी इसको ई से L1 बाद में निकालेंगे, पहले ई निकालेंगे, EST L इधर है, LFT EST में सबसे पहले ई की बात करते हैं, ई वन में कोई भी टाइम, यहाँ जब एक्टिविटी स्टार्ट यहाँ से यहाँ पे आएगी तब चार दिन लगेंगे, इससे पहले कोई टाइम नहीं लग रहा है तो इसको ज़ीरो बोलेंगे, ठीक है। फिर ई टू एक्टिविटी ये है, इसको E2 हम कहेंगे, तो E1 बराबर तो हम ज़ीरो लिखेंगे, E2 कितना है, तो E1 प्लस यहाँ से आने में लगा समय, तो E1 इसका E2 ऐसे आएगा, E1 प्लस एक से दो एक्टिविटी में लगा समय कितना है, चार दिन लगे हैं, तो E1 तो हमारा था ज़ीरो प्लस चार बराबर ये होता है चार, तो E2 हमारा हो गया वो है चार। E3 क्या होगा, यहाँ से कि इसमें E2 प्लस इतना इससे बीच में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ से आने में टाइम कितना लगता है कि पाँच और चार नौ दिन होते हैं, लेकिन तरीका इसका ये होता है कि E2 प्लस ये बीच वाला टाइम है, ठीक है, तो ये पीछे वाला भी जुड़ जाता है इसमें, तो इसका होता है E2 प्लस दो से तीन जो एक्टिविटी में पहुँचने में लगा समय, तो ये आता है पाँच। तो इस तरीके से E2 हमारा था चार प्लस पाँच बराबर नौ। वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, चार और पाँच नौ दिन होते हैं, लेकिन तरीका इसका है जो ये रहेगा। इसके बाद E4 है जो यहाँ है, इसमें E2 प्लस ये बीच में जो टाइम लगा है, E2 प्लस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दो से चार एक्टिविटी में लगा समय, तो E2 प्लस सिक्स डेज, E2 हमारा था
दो था चार, चार प्लस छः बराबर ये होता है दस। फिर है ई फाइव, तो ई फाइव है ये किस तरीके से आएगा, ई फाइव इधर है, ई टू प्लस दो से पाँच एक्टिविटी में लगा समय, तो ई टू तो हमारा है ये कितना है चार है, इसको पहले लिख देते हैं ई टू प्लस ये सात दिन, ई टू हमारा है चार, चार प्लस सात बराबर ये होते हैं ग्यारह, तो ये आ जाएगा ग्यारह। अब इनको नाम जो हमने क्रम दिया वो बाद में लिखेंगे, पहले क्लियर कर लेते हैं सारे के सारे। फिर है ई सिक्स, ई सिक्स है जो यहाँ है, यहाँ से एक इधर से रास्ता आता है, इधर से आता है, दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, तो ई थ्री प्लस दो तीन से छः में लगा समय, ठीक है ये एक्टिविटी है तीन और छः, तो यहाँ लगता है दस, तो पहला होता है तीन, यहाँ पे ई थ्री हमारा देखा हमने कि नौ आया हुआ है, तो नौ प्लस दस बराबर होते हैं उन्नीस। दूसरा एक रास्ता इधर से आता है ई फोर का, तो ई फोर प्लस चार से छः में लगा समय, तो ये होता है नौ, तो नौ और चार होता है तेरह, इनमें दोनों में जो बड़ा होगा वो लेंगे, ये नाइनटीन, ठीक है। तो इस तरीके से ई सिक्स है जो नाइनटीन होगा, और ई सेवन, ई सेवन में भी दो रास्ते, एक तो इधर से आ रहे हैं एक इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ तक लगा समय प्लस ये समय जोड़ेंगे हम, तो ई सिक्स प्लस छः से सात में लगा समय ये है तीन, और ई सिक्स हमारा आया था अभी 19, तो 19 प्लस 3 बराबर आता है 22, ठीक है। तो ये एक रास्ता बनता है, दूसरा इधर से भी जाता है, तो ये होता है ई फाइव प्लस 5 से 7 में लगा समय ये है 8 दिन है, तो ई फाइव हमारा कितना था, तो ई फाइव हमारा 11 था, तो 11 प्लस 8 बराबर होते हैं 19, दोनों में जो बड़ा होगा वो हम लेते हैं ये 22 लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ भी पीछे भी एक कंडीशन आई थी जहाँ दोनों में जो बड़ी संख्या है वो लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 19 लिया हमने, यहाँ 22 लिया है। अब इनको हम जो हमने चीज़ निकाली है वो लिखेंगे, तो सबसे पहले E1 E2 तो लिख दिया, E3 हम यहाँ लिखेंगे, E3 हमारा था 9, E4 हमारा आया था 10, और E5 हमारा आया था 11, और E6 हमारा आया था 19, और E7 है जो हमारा है 22। अब ये तो रहा जो यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की बात करते हैं, टोटल एक्टिविटी पे एक से दूसरे पे पहुंचने में। अब LFT की बात करते हैं, LFT में क्या होता है, इसमें यहाँ से स्टार्ट होता है, L7 इज इक्वल 22 है, तो L7 22 होगा, यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम, LFT का L, इसको L के नाम से L7 इज 22, तो ये 22 ही लिखेंगे, ठीक है, जो लास्ट का आंकड़ा आता है वही होता है। L6 कैसे निकालेंगे, यहाँ यानी L7 में से ये जो 20 वाला टाइम है ये घटाएंगे, तो L7 माइनस 6 से 7 में लगा समय ये 3 लगता है, L7 हमारा था कितना 22 था, तो यहाँ लिखेंगे 22 माइनस 3 बराबर 19, तो इस तरीके से L6 हमारा आ गया है 19, और L5 की बात करें तो L5 है ये L7 में से बीच में लगा टाइम घटाएंगे, तो L7 माइनस L जो 5 और जो 7 एक्टिविटी बीच में 8 टाइम लगता है, 8 दिन लगते हैं, तो ये 8 घटाएंगे बराबर L7 हमारा था 22, 22 माइनस 8 बराबर ये होता है 14, तो ये L हमारा है, यहाँ मैं लिखूँगा L5 बराबर 14, ये 14 आ जाएगा इधर, तो इस तरीके से ये हमने निकाला है। L4 आप देख रहे हो कि यहाँ है, L4 यहाँ से आ रहा है सीधा रास्ता, तो 6 में से घटाएंगे इस जो 4 से 6 वाले टाइम को, तो ये होता है L6 माइनस 4 से 6 में जो लगा टाइम है वो घटाएंगे 9, L6 हमारा आया था 19, ये बराबर लिखेंगे 19 माइनस 9 बराबर ये होता है 10, तो यहाँ लिखेंगे L4 इज 10। फिर है L3 आप देखेंगे कि ये है, ये 6 में से घटाएंगे ये जो टाइम है यहाँ से आ रहा है रास्ता, तो L6 माइनस
तीन से छः में लगा समय 10 है तो इसको 10 को घटाएंगे। L6 हमारा आया था, ये था 19, 19 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 9। तो इस तरीके से ये L3 है, ये भी 9 ही आएगा। तो इस तरीके से ये 9 आएगा। अब बात करते हैं L2 की। L2 में आप देख रहे हो कि तीन जगह से रास्ते आ रहे हैं, ठीक है। इनमें हमें छोटा रास्ता देखना है सबसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ दो बड़े लेते हैं, दो बड़े इसमें छोटे वाले रास्ते हो रहे। पहले तो तीन से दो घटाएंगे तो L3 माइनस दो से तीन में जो समय लग रहा है वो 5 है। तो L3 देखेंगे कितना था हमारा, L3 था 9, बराबर लिखेंगे 9 माइनस 5 बराबर ये होता है 4। दूसरा है 4 में से दो घटाएंगे, L4 माइनस ये 2 और 4 के बीच में जो टाइम ये घटाना है 6, तो ये 6। तो L4 हमारा है वो कितना है, यहाँ देखेंगे L4 था 10, 10 माइनस इसमें जो टाइम लग रहा है वो 6, ये हमने लिख रखा है यहाँ 6, तो ये आएगा 4। फिर है दूसरा L5 में से ये जो 20 वाला 7 दिन का टाइम ये घटाएंगे तो ये L2 आ जाता है। तो L5 माइनस 7, तो L5 हमारा आया हुआ है 14, यहाँ हम लिखेंगे 14 माइनस 7 ये आता है 7। तो इन सब में जो छोटा होता है वो हम टाइम लेते हैं, जैसे कि ये 4 है इनमें छोटा तो 4 लेंगे, तो L2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 4। L1 है जो कि यहाँ से 2 में से इसको घटाएंगे, तो L1 किस तरीके से आएगा, L2 माइनस 2 से 1 में लगा टाइम ये है 4। तो ये 2 का जो टाइम है कितना है हमारा 4, 4 में से ये 4 घटाएंगे तो आएगा 0। तो इस तरीके से L1 है जो 0 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे L1 इज इक्वल 0, L2 हमारा आया है वो है 4, L3 हमने लिख दिया है, 4 लिख दिया है, 5 लिख दिया है, 6, 7 लिख दिया है। तो इस तरीके से ये हम EST और LFT भी निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिए।